मैं आ गया हूँ अपने ग्राइंड मास्टर में, और यहाँ से हम लोग प्लस के निशान पे चले जाते हैं। यहाँ से रेशियो लेता हूँ, तो मैं 9.16 रेशियो लेता हूँ। रेशियो लेने के बाद अपने को जो जो फोटो अपने को एडिट करना है, वीडियो बनाना है, वो फोटो ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ वो फोटो। मैं फोटो ले चुका हूँ। अब क्या करेंगे, फोटो को हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे। इस तरीके से सारा फोटो को फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को फोटो में सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक ग्राफिक्स लिखा है, इसमें क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ओवर एलिमेशन डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ गेट मोड से आपको डाउनलोड करना है। गेट मोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको ओवर एनिमेशन मिल जाएगा, ओवर एनिमेशन 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये लास्ट वाले को ले लेंगे, ऐसे इस एनिमेशन इसमें सारा को सिलेक्ट कर देंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद, सबको एनिमेशन लगाने के बाद वो फर्स्ट वाली वीडियो पे आ जाना है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद ये मेरे को सॉन्ग है, इसको हम लोग ले लेंगे। तो अपने को पहले फोटो को छोटा कर लेना है। इस तरीके से उसके बाद जो मेरा जो सॉन्ग है वो वीडियो सॉन्ग है, तो उसको मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसमें वीडियो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से स्ट्रैक ऑडियो लिखे इसमें क्लिक करूँगा, तो मेरा नीचे ऑडियो आ जाएगा और वीडियो को डिलीट कर दूँगा मैं। ये हो गया डिलीट। अब मैं थोड़ा इसको फैला देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये जो बीट के साथ फोटो को मिक्स कर दूंगा इस तरीके से। इस तरीके से आप फोटो को जमा लेंगे। अगर आपको जमाने में प्रॉब्लम जाएगा तो पहले प्ले करेंगे, फिर बीट बजेगा वहाँ स्टॉप करेंगे, और वहाँ को फोटो को वहाँ पर क्रॉप करेंगे, मतलब कि कट करेंगे वहाँ तक, फिर प्ले करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, बीट बजेगा वहाँ पर तक फोटो को कट करेंगे। ऐसे करके आप सारा फोटो जमा लीजिएगा। उसके बाद जमाने के बाद उसके बाद लेयर में जाएंगे, उसके बाद मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद ये इसको लेंगे, ये बैकग्राउंड है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ब्लेंडिंग में चलेंगे और यहाँ स्क्रीन कर देंगे इस तरीके से। आपको प्ले करके दिखाता हूँ इस तरीके से। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ निशान दिख रहा है आपको, इसमें जाएंगे और यहाँ से स्पॉट लिखा है इसमें क्लिक करेंगे, और अपना वीडियो सेव होना चालू हो जाएगा। ये वीडियो सेव हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ।